रीवा में फैले अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता ही चला जा रहा है। चार वार्डों से फैली यह बीमारी पूरे रीवा शहर में फैली। सुअरों को मारने में कामयाब नहीं हो पाया पशु चिकित्सा विभाग। रीवा के चार वार्डों में फैला अफ्रीकन स्वाइन फ्लू धीरे धीरे पूरे शहर में फैला, पूरे जिले में फैला। साफ तौर से माना जा सकता है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने पूरे जिले में पैर पसार लिया है। शहर से लेकर गांव तक मर रहे हैं सुअर। यह पहले चार वार्डों में फैला था, धीरे धीरे अब यह पूरे जिले में और पूरे रीवा जिले में फैल रहा है। माना जा सकता है सुअरों में फैली अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी अनियंत्रित हो गई है। शहर से लेकर गांव तक सुअर मर रहे हैं। चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। साफ तौर से माना जा सकता है पशु विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरीके से फेल हो गया है। जहां देखो वहां सुअर ही मरे नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें, रीवा में सुअरों के मरने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। चार वार्डों को पहले रेड जोन घोषित किया गया था। इन वार्डों में स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई थी। इन सभी वार्डों के सुअरों को मौत का इंजेक्शन दिया जाना था। इसमें विभाग पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। पशुपालकों ने भी इनका साथ नहीं दिया। विभाग का साथ पशुपालकों के ना मिलने की वजह से पशुपालकों के सुअर मारने की प्रक्रिया को काफी धीमी पड़ गई। चार वार्डों को ही पशु चिकित्सक विभाग क्लियर नहीं कर पाया। उनके सामने और मुसीबत धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। सुअरों के मारने का सिलसिला अन्य वार्डों में भी बढ़ रहा है। कई वार्डों में सड़क के किनारे नालियों नालों में सुअर मरे हुए मिल रहे हैं। सुअरों की मौत से लोग दहशत में हैं। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग ने सैंपल लेने का काम लगातार प्रारंभ कर रखा है, लेकिन स्वाइन फ्लू की पुष्टि भोपाल से जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही हो पाती है, जिसकी वजह से काम में थोड़ी देरी होती है, ऐसा माना जा सकता है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बढ़ते दायरे को लेकर विभाग काफी चिंता में है। चार वार्डों में पहले ही अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हो चुकी थी। इसके बाद अन्य वार्डों में भी सुअरों के मरने का सिलसिला काफी तेजी से चलता रहा। यहाँ वहाँ जहाँ भी नजर आई, सुअर मरे हुए दिखाई दिए। माना जा सकता है रीवा शहर की अगर हम बात करें, रीवा शहर के वार्ड 3, 21, 27, 28, 38, 12 में सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। इनको भोपाल भेजा गया है। वहां से जांच आने के बाद ही तय हो पाएगा इनमें किस तरीके की बीमारी है। फिलहाल भोपाल से जांच की रिपोर्ट का सबको है इंतजार। अफ्रीकन स्वाइन फीवर की चपेट में से आने से रीवा के कई वार्डों में सुअरों की मौत का सिलसिला लगातार प्रारंभ है। निराला नगर मलिन बस्ती के आसपास सुअर मरे हुए दिखाई दिए। सड़क के किनारे मरे हुए सुअरों को लेकर लोगों में दहशत फैल रही है। निपनिया पुराना इलाका है रीवा शहर का, यहाँ के हालात भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य वार्डों में भी सुअरों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। हम आपको बता दें, संक्रमित वार्डों के सुअर पालक प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं। सुअरों को भगा देते हैं जैसे ही पशु विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है। सुअर इधर उधर चले जाते हैं, बाहर जाकर दम तोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यही मानी जा सकती है, इस बीमारी को सुअरों को कंट्रोल ना कर पाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि सुअर पालक पशु विभाग का पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहे हैं। साथ ना दे पाने की वजह से, सुअरों को भगा देने की वजह से सुअर दूसरे इलाके में जाकर मर रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग किसी तरीके का मुआवजा नहीं देगा, वह साफ तौर से ऐलान कर चुका है। उसका कहना है उसी को मुआवजा देंगे जिसको जानवरों को हम इंजेक्शन देकर मारेंगे। अगर अपनी मौत मरता है सुअर तो हम किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं देंगे। अब पशु विभाग के इस ऐलान के बाद शायद जो इन जानवरों को पालते हैं वो पशु विभाग का सहयोग करें, ऐसा माना जा सकता है।